वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फटाफट। मैं विवेक कुमार मिश्रा। आज का टॉपिक है मेरा डिस्क्रिप्टिव पेपर, और डिस्क्रिप्टिव पेपर में मैं आप लोगों को बताऊंगा ऐसे कैसे लिखना है, ठीक है, जो कि आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर में ऐसे का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है, ठीक है ना। तो मैं आपको ऐसे के कुछ पॉइंट बताऊंगा जहाँ से आप जो है ना एग्जामिनेशन में मार्क्स ला सकते हैं। जैसे कि ऐसे में कौन कौन सा पॉइंट की आपको मेंशन करना है, तो सबसे पहला होता है इंट्रोडक्शन का। जो भी गिवन टॉपिक दिया हुआ है उसका आप जो है ना जितना जितना कम शब्दों में उसके मेन पॉइंट को मेंशन करना है इंट्रोडक्शन में, और टू द पॉइंट मेंशन करना है। उसके बाद एक लाइन का पैराग्राफ छोड़ करके फिर मेंशन करना है, आपको फुल एक्सप्लेनेशन देना है उसका, और फिर उस टॉपिक का जो भी मेरिट है उसके बाद मेंशन करना है। और अब जब मेरिट की बात हुई तो डेमेरिट भी होगा, डेमेरिट की भी मेंशन करना है, और लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है उसका। तो आज का मेरा टॉपिक है प्रधानमंत्री जनधन योजना। सो प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में मैं आपको बताऊंगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना इज अ नेशनल मिशन ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना एक राष्ट्रीय मिशन है वित्तीय समावेशन के लिए, ठीक है। कह रहा है दिस स्कीम इंश्योर्स एक्सेस टू अ रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी कि यह जो स्कीम है, यह जो योजना है, सुनिश्चित कराता है किस चीज़ के लिए, तो फाइनेंशियल सर्विसेज की जो एक रेंज है वहाँ तक पहुँचने के लिए, जैसे कि हो गया आपका बैंकिंग अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट एंड डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। और ये जो स्कीम्स है आपकी प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये रेमिटेंस फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करती है, क्रेडिट प्रोवाइड करती है, एंड इंश्योरेंस एंड पेंशन आल्सो, ठीक है। दिस एम्बिशियस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी कि यह महत्वाकांक्षी प्रोग्राम जो है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरुआत की गई, ठीक है ना, फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन के लिए, ओके। दिस स्कीम वाज अनाउंस्ड बाय द मिस्टर मोदी ऑन 15 अगस्त। इस स्कीम की घोषणा मिस्टर मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2014 को की गई फ्रॉम द रैम्पर्ट ऑफ द रेड फोर्ट, लाल किला से, बाय लॉन्चिंग द प्रोग्राम ऑन 20 अगस्त। जबकि ये जो प्रोग्राम है प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च किया गया 20 अगस्त को, ओके। दिस स्कीम प्रोवाइड्स एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ ₹5,000 आफ्टर 6 मंथ, यानी कि यह जो स्कीम है प्रोवाइड कराती है एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ₹5,000 की, जो कि आपके अकाउंट खोलने के 6 मंथ के बाद वो आपको मिलती है, ओके। एंड रुपे डेबिट कार्ड, और एक रुपे डेबिट कार्ड विद एन इनबिल्ट एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर ऑफ 1 लाख, ओके। यानी कि इसके, और इसके साथ साथ जो है ना 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी आपको कवर कराया जाता है इस स्कीम के थ्रू, एंड इस स्कीम के थ्रू कराया जाता है, एंड और लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹30,000, और एक लाइफ इंश्योरेंस कवर भी की जाती है जो कि ₹30,000 का है, एंड रुपे किसान कार्ड टू द अकाउंट होल्डर, और एक रुपे किसान कार्ड भी प्रोवाइड कराया जाता है जो भी अकाउंट होल्डर है उनके लिए, ओके। द मेन पर्पस ऑफ दिस स्कीम, इस स्कीम का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपका मेरा खाता भाग्य विधाता, विच मीन्स, जिसका मतलब हो गया माई अकाउंट इज डिवाइन, मेरा अकाउंट जो है डिवाइन है, ओके। पीपल टर्न इट आउट, कह रहा है पीपल टर्न इट आउट इन लार्ज नंबर, यानी कि पीपल जो है ना, लोग जो है टर्न इट आउट हो रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में टुवार्ड्स द स्टेप ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो वित्तीय समावेशन की ओर जो कदम उठाए हैं सरकार ने उनकी तरफ, ठीक है ना। एंड देर वॉज एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, और बहुत बहुत बढ़ चढ़ करके इसका जो है रिस्पॉन्स मिल रहा है बाय द इंडियन सिटीजन, भारतीय लोगों के द्वारा। दिस स्कीम हैज क्रिएटेड अ
नेसेसरी वर्क, यह स्कीम जो है उत्पन्न किया है एक आवश्यक काम को, वर्क प्रेशर को ऑन द बैंकिंग स्टाफ, जो भी बैंकिंग स्टाफ है उनके ऊपर यह स्कीम ने क्या किया है, तो एक आवश्यक वर्क प्रेशर बढ़ाया है। और ये आपका हो गया कंक्लूजन हो गया, ठीक है। द दिस इज अ मेजर स्टेप, यह एक बहुत बड़ी स्टेप है टेकन बाय द गवर्नमेंट, जो कि सरकार के द्वारा उठाया गया है टू प्रोवाइड द एसेंशियल फाइनेंशियल सर्विसेज, एसेंशियल फाइनेंशियल सर्विसेज टू द पुअर सिटीजन एंड अटैच द मेन स्ट्रीम ऑफ डेवलपमेंट, और उन्हें जो है अटैच किया गया है, उन्हें किस चीज के लिए अटैच किया गया है, या है तो मेन स्ट्रीम ऑफ डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट के मेन स्ट्रीम में उन्हें अटैच किया गया है, ठीक है ना। आफ्टर दिस स्कीम, इस स्कीम के बाद सिटीजन आर गेटिंग, जो भी नागरिक है वो पा रहे हैं देयर सब्सिडी, अपनी सब्सिडी एंड अदर बेनिफिट्स और भी कुछ लाभ, ठीक है ना, इनटू देयर अकाउंट, वो अपनी अकाउंट में विदाउट एनी मीडिएटर, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी मध्यस्थता के। तो ये था आपका जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में टॉपिक था मेरा आज, और ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर का था। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगे जरूर से ज़रूर आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर ज़रूर इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।